नमस्कार, विनय क्लासेस की ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। एक्सरसाइज 11.4 प्रश्न संख्या 5। प्रश्न है, त्रिभुज एबीसी में कोण बी बराबर 90 डिग्री एवं बीडी कर्ण एसी पर लंब हो तो सिद्ध कीजिए त्रिभुज एडीबी समरूप होगा त्रिभुज बीडीसी के। चलो इसको हमें पहले ड्रॉ करना पड़ेगा आकृति को। क्या होगा कि हमारे पास में एक त्रिभुज एबीसी है, ये ए, ये बी और ये सी में। कोण बी हमें 90 डिग्री दे रखा है, ये कोण बी आपको समकोण दे रखा है, 90 डिग्री दे रखा है। अब इस कोण बी से इस एसी पर हमें एक लंब डालना है, कर्ण एसी पर क्या डालना है, लंब। यानी कि जो हमने ये लंब डाला, ये भी वापस कैसा है, 90 डिग्री का होता है, लंब भी 90 डिग्री का होता है। ठीक है, तो हमें सिद्ध ये करना है कि त्रिभुज ए डी बी, ए ये डी और ये बी समरूप होगा त्रिभुज डी बी सी के, डी बी सी के। ठीक है, इस वाला ये वाला त्रिभुज आपस में समरूप होगा। तो हमें दिया हुआ क्या है, देखो दिया है कोण बी बराबर 90 डिग्री, पहले ही दिया इसने। उसके बाद में जो हमने बी डी ड्रॉ की वो लंब है कर्ण ए सी पर, ये चीज हमें दी हुई है। और सिद्ध करना है त्रिभुज ए डी बी समरूप है त्रिभुज बी डी सी के। तो आज चलो इसकी उत्पत्ति करते हैं। देखो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, उत्पत्ति करने के लिए बड़ा वाला त्रिभुज ले रहा हूँ, त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी। व दूसरा ये त्रिभुज ले रहा हूँ मैं ए डी बी, ए डी बी, ए डी बी में। अब इसमें क्या हो रहा है, देखो त्रिभुज ए बी सी और ए डी बी को हमें समरूप करना होगा। तो यहाँ पर आप ध्यान दो तो दोनों में कोण ए आपके क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। बड़े वाले में भी कोण ए आ रहा है, छोटे वाले में भी कोण ए आ रहा है। तो मैं कहूँगा कोण ए बराबर कोण ए, दोनों ही बराबर है क्योंकि कारण है उभयनिष्ठ। क्या है, उभयनिष्ठ। फिर कोण एक तो आप देखो इसमें ए बी सी, ए बी सी 90 डिग्री है, कोण ए बी सी 90 डिग्री है, और कोण ए डी बी भी 90 डिग्री है, ए डी बी भी क्या है, 90 डिग्री है। दोनों ही आपको क्या है, समकोण है। और हमें ये दिया हुआ है, दिया है, दिया हमें है। ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ कि ए ए नियम से त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज ए डी बी के। ये मैं ले रहा हूँ समीकरण नंबर एक। अब दूसरा त्रिभुज अपन लेते हैं, कौन सा भाई, बड़ा वाला और ये ले लिया, बड़ा वाला और छोटी ये वाला ले रहे हैं सेकंड वाला। तो त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज, अब इसके एंगल के अकॉर्डिंग लेना है, ध्यान रखना, बी डी सी में, बी डी सी में, बी डी सी में, ये दोनों प्रश्न में भी दिए हुए त्रिभुज, तो उसके अकॉर्डिंग लेना आप। ठीक है, अब इसमें भी कोण देखो कौन सा कॉमन आ रहा है, तो यहाँ देखो यहाँ भी सी है और यहाँ भी सी, यानी कौन सी, अब इन दोनों में क्या आ रहा है, उभयनिष्ठ आ रहा है। तो कह सकता हूँ कौन सी बराबर कौन सी, कारण हो गया उभयनिष्ठ। ठीक है, और कौन से कौन बराबर है भाई, दो कौन 90 डिग्री के, इसमें ध्यान दो थोड़ा, तो वो कौन सा है, देखो बी और बी, यानी कि आपके एक तो कौन हो जाएगा ए बी सी, कौन ए बी सी बराबर होगा कौन बी डी सी, बी डी और सी, बी भी 90 डिग्री और डी भी 90 डिग्री। कारण क्या है, समकोण, और हमें दिया हुआ है प्रश्न के अंदर, देखो ये बी 90 डिग्री है और यहाँ डी कितना है, 90 डिग्री है, दिया हुआ था। तो मैं कह सकता हूँ ए ए नियम से त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज बी डी सी के। ये हो गया समीकरण नंबर दो। अब देखो समीकरण एक में भी ए बी सी है, समीकरण दो में भी ए बी सी है, तो ए बी सी की जगह मैं अगर ये रख दूंगा तो हमारा उत्तर आ जाएगा। तो मैं कहूँगा समीकरण एक व दो से ए बी सी की जगह रख सकता हूँ त्रिभुज ए डी बी समरूप होगा त्रिभुज बी डी सी के, इति सिद्धम। नमस्कार, विनय क्लासेस की ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। प्रश्न संख्या 6। प्रश्न है,
सिद्ध कीजिए कि वर्ग की एक भुजा पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल उसी वर्ग की एक विकर्ण पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा होता है ना। तो जैसा प्रश्न कह रहे हैं वैसा अपन चित्र बना देते हैं। प्रश्न कह रहा है कि हमारे पास में एक वर्ग है, जैसे अपने ये वर्ग लिया, वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है, ठीक है, ए बी सी और डी। ये कह रहा है इसकी किसी भी एक भुजा पर अगर हम समबाहु त्रिभुज बना दे, यानी जितनी भुजा ये है उतनी ही भुजा पर मैंने एक यहाँ पर त्रिभुज बना दिया और सबकी भुजाएं आपस में क्या है बराबर, ये और ये तीनों ही भुजा आपस में बराबर है, तो इस पर बना समबाहु त्रिभुज, ठीक है, इसके विकर्ण पर बना समबाहु त्रिभुज, यानी विकर्ण कौन सा, मैंने ये एसी विकर्ण ले लिया और इस पर मैं अगर एक समबाहु त्रिभुज बनाऊँ, यानी जितनी भुजा ये होगी उतनी की उतनी भुजा ये हो, दोनों ही होगी, ये भुजा और ये भुजा, ठीक है। अब इसको नाम दे देते, ए बी सी डी हो गया, ये ई हो जाएगा और ये एफ हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये कह रहा है कि ये इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वो इस त्रिभुज के क्षेत्रफल से आधा होगा, ठीक है, साफ दिख रहा है ये बड़ा और ये छोटा है तो ये आधा होना चाहिए, ये हमें सिद्ध करना है। तो पहले दिया हुआ क्या है, देखो दिया है ए बी सी डी एक वर्ग है और त्रिभुज आपके बी ई सी व त्रिभुज ए सी एफ, बी ई सी और ए सी एफ कैसे त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है, प्रश्न के अकॉर्डिंग है समबाहु त्रिभुज है। अच्छा अब हमें सिद्ध क्या करना, सिद्ध करना कि एरिया ऑफ त्रिभुज बी सी ई बराबर एक बट्टे दो, आधा होता है एरिया ऑफ त्रिभुज ए सी एफ, यानी इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल आधा होता है या दुगुना होता है ना, बी सी ई, बी सी ई इसका क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ए सी एफ, ए सी एफ इसका एक बटा दो होता है। क्यों एक बटा दो यहाँ आना चाहिए, यहाँ क्यों लगाया, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बैलेंस हो जाएंगे, इसलिए एक बटा दो यहाँ लगाया। अब कोई भी बात सिद्ध करो हमें सिद्ध करनी है। अब क्या करेंगे, ये गुणा में है तो ये नीचे किस में आएगा, भाग में, तो ये हो गया एरिया ऑफ त्रिभुज बी सी ई बटा एरिया ऑफ त्रिभुज, ये नीचे आएगा ए सी एफ बराबर एक बटा दो। ये बात अगर अपन सिद्ध कर ले, ठीक है, तो हमारा प्रश्न जो है वो सॉल्व आउट हो जाएगा, ठीक है। अब उत्पत्ति करते हैं, देखो उत्पत्ति, इसके लिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, हम जानते हैं कि जो त्रिभुज होते हैं समबाहु त्रिभुज हमेशा क्या होते हैं, समरूप होते हैं, ठीक है, हम जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज सदैव क्या होते हैं, समरूप होते हैं। तो मैं कह सकता हूं त्रिभुज बी सी ई, बी सी ई समरूप होगा त्रिभुज ए सी एफ के, ए सी एफ के, ठीक है। अब जब समरूप है तो मैं इनके क्षेत्रफल वाली प्रमेय 11.9 से ये कह सकता हूं कि एरिया ऑफ, अब देखो मुझे एक बार लिख देता हूँ, त्रिभुज बी सी ई बट्टा एरिया ऑफ त्रिभुज ए सी एफ बराबर, कौन सी भुजा चाहिए सिद्ध करने में, तो यहाँ पर मुझे चाहिए बी सी, एक तो ये भुजा, एक तो ये भुजा और ये एक ये भुजा, बी सी और ए सी चाहिए, है ना, तो मैं ये वाली भुजा का अनुपात ही ले रहा हूँ, तो यहाँ लिख सकता हूँ बी सी बट्टा ए सी का वर्ग, कहाँ से आया, प्रमेय 11.9 से, ठीक है, क्षेत्रफल वाले प्रमेय से आया, ठीक है। अब क्या करना है आगे, ये बात तो आ गई अपने पास में, अब हम जानते हैं कि ये 90 डिग्री यहाँ पर, क्योंकि ये वर्ग है, तो मैं अब क्या कर रहा हूँ, त्रिभुज ए बी सी से कोण बी बराबर क्या है 90 डिग्री, क्योंकि ये क्या है, वर्ग है, ठीक है, तो मैं ये कह सकता हूँ बोधायन प्रमेय से कर्ण स्क्वायर
बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, यानी इसकी जगह मैं कर्ण स्क्वायर यानी कर्ण कितना है एसी का वर्ग बराबर आधार स्क्वायर एबी का वर्ग प्लस लंब स्क्वायर यानी कि बीसी का वर्ग। अब हम जानते हैं कि एबीसीडी क्या एक वर्ग है, तो एबीसीडी एक वर्ग है, अतः मैं लिख सकता हूं कि जो ये ए बी होगा वो किसके बराबर होगा, बीसी के बराबर। ये भुजा और ये भुजा आपस में क्या होगी, बराबर होगी, क्योंकि ये क्या है वर्ग है। ठीक है, तो अब समीकरण एक में किसका मान लगाऊंगा, ए बी का मान लगाऊंगा, तो ए सी इसको डायरेक्ट करता हूँ, ए सी स्क्वायर बराबर ए बी का वर्ग की जगह मैं क्या लिख रहा हूँ, बी सी का वर्ग, तो ये हो गया बी सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, तो ए सी स्क्वायर बराबर कितने बी सी स्क्वायर हो गए, दो बी सी स्क्वायर हो गए। ठीक है, अब ऊपर यहाँ पर क्या है बी सी है, नीचे ए सी है, तो दो को इधर भेजेंगे, ए इसको इधर भेजेंगे, तो क्या होगा देखो, अब यहाँ एक बचा और नीचे दो आ गया, बटे दो आ गया, बराबर यहाँ कितना बचा बी सी का स्क्वायर, ए सी इसके नीचे आ जाएगा, ये हो गया ए सी स्क्वायर। अब आपको पता है कि हमने यहाँ पर एक प्रमेय लिखी थी, इसको मैं समीकरण एक दे रहा हूँ, ठीक है, इसको दो दे रहा हूँ, और यहाँ पर मेरे पास आई समीकरण नंबर तीन। अगर समीकरण तीन का मान मैं समीकरण एक में लगा दूँ तो हमारा उत्तर आ जाएगा और सिद्ध भी हो जाएगा। ठीक है, तो समीकरण तीन, समीकरण एक व तीन से क्या करेंगे, एरिया ऑफ त्रिभुज बी सी ई बटा एरिया ऑफ त्रिभुज ए सी एफ बराबर बी सी स्क्वायर बटा ए सी स्क्वायर, ध्यान रखना इसको ये भी लिख सकता हूँ, बी सी बटा ए सी का होल स्क्वायर, समझ गए। तो बी सी बटा ए सी का मान कितना है, होल स्क्वायर का मान कितना है, एक बटा दो, तो इस पूरे की जगह मैं लिख सकता हूँ एक बटा दो, इति सिद्धम। तो अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।